हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है जहां मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूं एलजी कंपनी के 190 लीटर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का। ये एक 5-स्टार रेफ्रिजरेटर है और इस मॉडल में हमें मिलता है एक बेस ड्रॉअर जिसमें आप ड्राई वेजिटेबल्स रख सकते हैं। आइए मैं आपको इसके ड्रॉअर को क्लोजली दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का ये ड्रॉअर होता है और ये स्टैंड के साथ फिक्स हो जाएगा। और ये देख सकते हैं इसके कंपार्टमेंट्स जिसमें आप ड्राई वेजिटेबल्स रख सकते हैं, पोटैटो, ऑनियंस, गार्लिक्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। आइए अब इसके फ्रंट लुक को टॉप टू बॉटम क्लोजली देखते हैं और देख सकते हैं इसका पैटर्न। और इस रेफ्रिजरेटर का कलर है हेजल चार्म और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है इस रेफ्रिजरेटर का। और मैं साइड व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यह है इसकी फ्रंट की अदर साइड। और यहां पे आप फ्रिज की साइड पे एक स्टिकर देख सकते हैं जिसमें कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है और साथ में दी गई हमें एक इंफॉर्मेशन जिसमें यह बताया गया है कि फ्रिज की साइड्स गर्म हो सकती है। सो ये कोई खराबी नहीं है, ये मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन की गई टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि फ्रिज के ऊपर कभी भी हॉट यूटेंसिल्स न रखें। और यहाँ पे आप साइड में एक स्टिकर देख सकते हैं कि काइंडली रिमूव द प्रोटेक्टिव फिल्म फ्रॉम द डोर बिफोर यूज़। इसका मतलब है एक प्रोटेक्शन के लिए आपको फ्रंट डोर पे एक प्लास्टिक का फिल्म लगा है और इसे आप रिमूव कर लें इसे यूज़ करने से पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी अदर डिटेल्स। ये एक 5-स्टार रेफ्रिजरेटर है एंड 1 ईयर में अप्रॉक्स 131 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल। इसका मॉडल है GLD201HCY और इसकी कैपेसिटी दी गई है 190 लीटर्स की। और इसकी MRP है 19,190 रुपीज़। और इसकी रिटेल प्राइस वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन रिटेलर्स स्कीम। और इस फ्रिज में आइस बहुत जल्दी जम जाती है इसलिए यहाँ पे दिया गया फास्टेस्ट इन आइस मेकिंग। और इस रेफ्रिजरेटर में अलग से स्टेबलाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके यहाँ वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी 90 वोल्ट से लेकर 310 वोल्ट तक की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वारंटी का एक स्टिकर जिसमें यह बताया गया कि इसमें मिलता है हमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और इस कंप्रेसर पे मिलती है 10 ईयर्स की वारंटी। सो टोटल 1 ईयर्स वारंटी ऑन फ्रिज एंड 10 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रेफ्रिजरेटर का हैंडल जो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का है, स्लिक है। और इस हैंडल के नीचे हमें मिलता है इस फ्रिज का लॉक और यहाँ से आप इसे लॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आइए अब इसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स जानने के बाद इस फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी इनर डिज़ाइन कैसी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे प्रोवाइड की गई है। तो फ्रेंड्स, ये है फ्रिज को ओपन करने के बाद इसके इनसाइड व्यू का फर्स्ट इम्प्रेशन। आइए सबसे पहले इसे टॉप टू बॉटम एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। और अब देखते हैं इसके डोर साइड का टॉप टू बॉटम व्यू। और यह है इस फ्रिज का फ्रीजर सेक्शन जिसे फास्ट फ्रीजिंग जोन नाम दिया गया है और ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। आइए अब इस फ्रीजर के इनसाइड व्यू को देखते हैं। यह है इस फ्रिज का फ्रीजर सेक्शन और अच्छी स्पेस प्रोवाइड की गई है इस फ्रीजर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब दिया गया है और दी गई है 1 से लेकर 7 तक की सेटिंग जिसमें 1 लो कूलिंग को रिप्रेजेंट करता है एंड 7 हाई कूलिंग को। और एक टेम्परेचर कंट्रोलर चार्ट भी दिया गया है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इस नॉब को मूव करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इस टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। और नॉब के सेंटर में डिफ्रॉस्ट बटन जो ब्लू कलर का है आप यहाँ देख सकते हैं। और इस नॉब के ऊपर आप देख सकते हैं कूलिंग कंट्रोल गाइड दी गई है जिसमें सीजन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि कौन सी सेटिंग रखनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ्रॉस्ट गाइड दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि फ्रीजर के अंदर एक्सेस आइस होने पर आप इस डिफ्रॉस्ट बटन को यूज़ करके इस फ्रीजर की आइस को मेल्ट कर सकते हैं। और इसमें यह यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल स्टिकर्स दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि कभी भी फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करने के लिए किसी नुकीली सामान का यूज़ न करें और शार्प ऑब्जेक्ट्स को ना यूज़ करें, नाइफ्स एंड
फोक्स वगैरह से आइस को निकालने की कोशिश ना करें, वरना आप इस गैस पाइपलाइन को डैमेज कर देंगे और आपका फ्रीजर ख़राब हो जाएगा। और इस डिफ्रॉस्ट बटन को यूज़ करके आप डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। सो यूजुअली वीक में 2 से 3 बार आप डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं, या एक्सेस आइस होने पर आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रीजर के नीचे आप देख सकते हैं एक चिलर ट्रे दिया गया है, जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। और इस चिलर ट्रे को नाम दिया गया कूल एंड फ्रेश जोन। कुछ इस तरह से ये निकल जाती है और आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बैक साइड में एक होल दिया गया है, आप देख सकते हैं इस होल के थ्रू सारी लिक्विड जो है वो बाहर डिफ्रॉस्ट बकेट में स्टोर हो जाती है। और कुछ इस तरह से आप इसे फिक्स कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चिलर ट्रे के ऊपर स्टिकर दिया गया है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसे आपको फॉलो करनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं एक होल जो सारी चिलर ट्रे की जो एक्सेस लिक्विड है वो इस होल से होकर बाहर डिफ्रॉस्ट बकेट में स्टोर हो जाती है। और मल्टीपल सेल्फ दिए गए हैं, ये टफन ग्लास की बनी हुई सेल्फ है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी दिख रही है। इसकी सारी जो प्लास्टिक्स है उसकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी दिख रही है। एंड इसकी एजेस को आप देख सकते हैं, सो एक ये एजेस शार्प भी नहीं है। और इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी भी स्लॉट में आप इसे फिक्स कर सकते हैं, इसे बाहर निकाल कर क्लीन भी कर सकते हैं। अगर आपकी यूटेंसिल्स बड़ी हो तो आप किसी सेल्फ को निकाल के बाहर भी रख सकते हैं। सो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेट अप दिस शेल्फ्स इन द फ्रिज। और इसे भी आप कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं। और उसके नीचे आप देख सकते हैं हमें मिलता है एक वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार निकाल सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और ये उसकी जो टॉप वो कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगी। एंड ये है इसका वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स। सो एक अच्छी क्वालिटी का बॉक्स प्रोवाइड किया गया है और कुछ इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये है इस फ्रिज की डोर साइड। और यहाँ पे बहुत सारी रैक्स दी गई है और ये देख सकते हैं लेमन्स एंड एग्स को रखने के लिए एक छोटी रैक प्रोवाइड की गई है। और ये है 2 अदर रैक जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार फूड प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बॉटल्स के लिए 2 रैक्स दी गई है, और बिग बॉटल्स को आप यहाँ पर रख सकते हैं और छोटी बॉटल्स को आप नीचे और ऊपर भी रख सकते हैं। और यहाँ पे दी गई है 2 आइस ट्रे जिसे आप फ्रीजर में रख कर यूज़ कर सकते हैं। और ये इस फ्रिज की वारंटी पेपर एंड लॉक की, और ये इस फ्रिज का लॉक की जिसे आप यूज़ कर सकते हैं इस फ्रिज को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे लॉक करना है। और यहाँ कुछ इस तरह से आप इसे पुश करके एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब मूव करेंगे फ्रिज लॉक हो जाएगी, और पुश करके आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो फ्रिज अनलॉक हो जाएगी। इस तरह से आप इसे लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये है क्विक रेफरेंस गाइड फॉर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, जिसे आप यूज कर सकते हैं इस फ्रिज को परचेज करने के बाद क्विकली सेटअप करने के लिए। सो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है कि इसे कितने डिस्टेंस पे रखनी है, कौन सी सॉकेट्स यूज करनी है, कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताया गया है, साफ सफाई करने के लिए बताई गई है इंस्ट्रक्शंस, और डिफ्रॉस्ट करने के लिए जो बातें मैंने आपको पहले बताई थी वो बताई गई है, फ्रिज को ओवरलोड ना करें और फ्रिज को की डोर को फ्रिक्वेंटली ओपन ना करें। फ्रेंड्स ये है इस फ्रिज का यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, आपको ये हेल्प करेगी इस फ्रिज को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में। और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है और यहाँ पे देख सकते हैं इसका वारंटी इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर कि जिस भी रिटेल आउटलेट से आप इसे परचेज करें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करवा लें, ये आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। और यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स दी गई है। तो फ्रेंड्स ये थी इस फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।